गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में एनएच 133 की दुर्दशा पर विधायक दीपिका पांडे ने विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिस पर सियासत गर्म है। सांसद निशिकांत दुबे उस सड़क को देखने पहुंचे। सांसद ने कहा कि नेशनल हाईवे जो भी होता है भारत सरकार ही उसके लिए पैसे देती है, जिससे स्टेट पीडब्ल्यूडी उस रोड को बनाता है। पथरगामा में भी बाईपास है, इसको एनएचआई ने लिया है जिसमें 4 लेन बनना है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ये पहला टेंडर हुआ जो कि संताल परगना का 4 लेन रोड बनेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कोई मायका लाल नहीं है जो हमारी शिलान्यास किया हुआ, हमारी घोषणा किया हुआ किसी योजना को कहीं ले जाए। इसमें वक्त लगता है। सर, आपके क्षेत्र में खरपोदिया में मिल्क प्लांट भी बनेगा। और आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि गोड्डा से पीरपैंती तक रेल लाइन भी बनेगा और पूरा का पूरा भारत सरकार इसमें पैसा देगा। सर, कब इसमें कोई आवश्यकता नहीं। महागामा में कोई दूसरे आदमी, यहाँ पावर सब स्टेशन, चाहे ठाकुर गंगटी का नजर आ रहा हो, चाहे यहाँ नया नगर का आ रहा हो, किसने बनवाया? यदि यहाँ 100 किलोवाट का जो है ट्रांसफार्मर भी लगा ईसीएल में, यदि हम लोगों ने लगाया तो हमारे प्रयास से लगा। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के घाघर जानी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 2 छात्रा लापता हो गई, जिसमें सनसनी फैल गई है। 10वीं की 2 छात्रा विद्यालय से गायब हो गई हैं। इसे लेकर परिजन भी काफी परेशान हैं। परिजनों के अनुसार दोनों छात्रा सुबह ही विद्यालय से गायब हो गई। परिजन विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दोनों छात्रा हिरणपुर क्षेत्र की रहने वाली है। उधर विद्यालय की वार्डन इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हालांकि सूचना पर घटना की खबर आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधीक्षक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे और हर पहलू पर जांच शुरू कर दी। ठोस तथ्य नहीं आया जिस पर किसी को आरोप या किसी को आरोपित किया जा सकता कि हाँ ये आरोपी है। मामला का जांच हो रहा है, इसकी जानकारी जो है वो थाना को भी दी जा चुकी कि हमारे यहाँ से 2 बच्चे। सर, विद्यालय में सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी लगी हुई है, तो फुटेज भी चेक की गई है? हाँ, फुटेज चेक की गई है, लेकिन फुटेज में वैसा कुछ मामला सामने नहीं दिख रहा है। 5:45 समय तो बोला कि आपका सिस्टर देखो ना स्कूल क्लास में नहीं है, तो क्या हुआ नहीं हुआ, 2 लड़की स्कूल से भाग गई है। तो हम लोग आए पीछे मैम से, तो ऐसा ऐसा बोला, गार्जियन बोला कि हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग पूरा खोज पड़ताल किए, इधर उधर गए, खोजे नहीं मिला। तो जिस तरह मेरा बहन स्कूल से जिस तरह चली गई है, तो क्या कारण से गई है तो नहीं पता, लेकिन हम लोग को अपना जिस तरह सही सलामत हमको चाहिए मेरा बहन। बोकारो पुलिस ने बाइक चोरी कर धनबाद में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 5 बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी को रोकने के लिए छापेमारी और चेकिंग दल का गठन किया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद की गई। 23 तारीख को रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि सेक्टर 9 के साइड से कुछ चोर जो चोरी करते हैं वो बाइक से आ रहे हैं, तो BGH के पिछले गेट पे चेकिंग लगाया गया। उस चेकिंग के दौरान एक पल्सर पे बैठा हुआ 3 लड़का जो पुलिस को देखकर गाड़ी घुमाने लगा, तो फिर उसको दौड़ा के पकड़ा गया है। पकड़कर जब थाना लाया गया तो उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ के क्रम में वो बताया कि जो बाइक है ये भी चोरी का है, और अग्रतर पूछताछ किया गया तो ये बताया कि हम कुछ बाइक को कूलिंग पॉइंट के झाड़ी के पास भी रखे हैं, जिसको कि हम लोग खरीद बिक्री करने के लिए आगे जा रहे थे, जिसमें एक अभियुक्त का नाम अविनाश कुमार पांडे उप जट्टा है, जो सेक्टर 9 में जो बाइक की बरामद की हुई थी उसमें भी इसका चोरी के संलिप्तता है। राजकुमार राम और सचिन कुमार यादव, ये तीनों सेक्टर 6 के रहने वाले। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ओडिशा के एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 मोबाइल और अलग अलग कंपनियों के 45 ATM कार्ड बरामद किए गए। SP आनंद प्रकाश ने बताया कि ATM बदलकर पैसे निकासी की शिकायत दर्ज करने पर यह सफलता मिली है। साइबर अपराधी ओडिशा, बंगाल और झारखंड में कई जगह से ATM बदलकर पैसे निकासी करने की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इसका नाम रश्मि रंजन बेज, उम्र 27 वर्ष, पिता बाबा जी बेज। ये
केंद्रपाड़ा उड़ीसा का रहने वाला है और ये क्या करता था कि एटीएम मशीन होता है, एटीएम का जो ये होता है, वहाँ पर जा करके खासतौर पर जो लोग ज़्यादा उम्र के होते थे या जिनको एटीएम कार्ड ठीक से यूज़ करना नहीं आता था, तो उनको मदद करने की ये से उनका कार्ड को एटीएम कार्ड पब्लिक डेबिट कार्ड जो होता है बैंक का, वो दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था, जो क्लोनिंग कहें या दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था और पैसा क्या निकासी कर लेता था। तो अभी तो शुरुआती जो है इसमें कुंदन कुमार तिवारी हैं जिन्होंने गवरिया थाने में शिकायत की थी कि 10 सितंबर को उनकी माँ जब गई थी एसबीआई एटीएम में पैसा निकालने, तो उसी समय जो अभियुक्त है, उस समय तो अप्राथमिकी का अभियुक्त है, उसने मदद करने के बहाने से वो क्या करता था कि एटीएम कार्ड का जो पिन होता है उस पिन को किसी न किसी नंबर को दबा देता था, प्रेस कर देता था, तो पैसा निकालने प्रॉब्लम होता था और इसीलिए वो क्या करता था, वो झटके में जाता था, कहता था हम आपकी सहायता करेंगे और फिर वो हटा लेता था। उसी दरमियान वो असली एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड को रख लेता था, उसका नकली जो होता था दे देता था, तो खास करके वैसे लोग को ही टारगेट करता था जो लोग जागरूक थे, अलर्ट थे उनको। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 की मुदिरी कोलियर ई कोल डंप में हो रहे पेलोडर लोडिंग का विरोध तेज हो गया है। जेएमएम समर्थकों ने लोडिंग को पूरी तरह बाधित कर दिया। इस आंदोलन को जनता मजदूर संघ के स्थानीय शाखा के कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया है। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रीतलाल चुडू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कोल डंप पहुंचकर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों की माने तो यहाँ कोल डंप में स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा पेलोडर लोडिंग कराई जा रही है, जबकि हेमंत सरकार द्वारा पारित 75% रोजगार देने के उद्देश्य से प्रबंधन से लगातार वार्ता की जा रही है कि यहां मैनुअल लोडिंग कराई जाए ताकि इस कोलियरी के कार्य से प्रभावित स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन प्रबंधन अपनी मनमानी पर अड़ा है। कोरोना संक्रमण काल के बाद इस बार धनबाद कोयलांचल में धूमधाम से दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ साथ सीओ बीडीओ समेत जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस दौरान पूजा समितियों को सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा डीजे पर पाबंदी लगा दी गई है। जिले में जो विभिन्न दुर्गा समिति दुर्गा पूजा से संबंधित जितने भी मुद्दे थे उसको शांतिपूर्ण कैसे हम लोग मनाएं और लोगों के उत्साह में कोई कमी ना हो, और जिनका कोई इश्यूज था, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, सिक्योरिटी से संबंधित हो, उसका लोगों ने रखा है, हम लोगों ने उसका एक सबको नोट कर लिया है। संबंध में एक अलग से हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ रिव्यू भी करेंगे और ये हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोग पूरे खुशी के साथ इस दुर्गा पूजा को मना। क्या लग रहा है सर मीटिंग के बाद, एनालाइज करने के बाद क्या लग रहा है, किस प्रकार के नहीं लोगों में उत्साह है? दो वर्षों के बाद दुर्गा पूजा इतने बड़े भव्य स्तर पर मन रहा है, तो लोगों में उत्साह है, तो उत्साह में कोई कमी ना रहे, लोग अपने उत्साह से दुर्गा पूजा मनाएं। हम लोग जो जहाँ तक सिक्योरिटी से संबंधित है, हम लोग पूरी बंदोबस्ती के साथ अपने पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे और शांति समिति के सदस्यों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वो भी अपने पूरे झील के साथ हमारी मदद करें और सभी जो पब्लिक है उनसे भी यही अनुरोध है कि सब लोग मिल करके शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से दुर्गा ये दुर्गा पूजा दशहरा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की आज बैठक, सभी जिला स्तरीय शांति समिति के जो सदस्यगण हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारीगण हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, ADM लॉ एंड ऑर्डर, DDC, जनप्रतिनिधि जो हैं उनके साथ में की गई है और शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी क्षेत्रों में दुर्गा पूजा का दशहरा का त्यौहार मनाया जाए, उसके लिए आवश्यक निर्णय हम लोगों ने यहाँ लिए हैं। सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई अफवाह वगैरह की स्थिति नहीं हो, सेपरेट एंट्री एग्जिट के रास्ते हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनके पहचान पत्र के साथ में पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति हो, CCTV कैमरा अनिवार्य रूप से सभी जगहों पर लगाएं, ये भी निर्णय हम लोगों ने लिया है, और किसी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जो प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे समन्वय लोग करें। विसर्जन के जो रूट हैं, जो जुलूस हैं, उसका टाइम भी और रूट भी दोनों स्थानीय स्तर पर जो शांति समिति की बैठकें हुई हैं उसमें निर्धारित किए गए हैं, उसका अनुपालन सभी जगहों पर हो, स्थानीय स्तर पर रूट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो,
कई बार विसर्जन जुलूस में दूसरे समुदाय का, दूसरे धर्म का कोई मस्जिद है, बाजार है, तो उसके आसपास कोई फ्रिक्शन की, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, उस पर विशेष ध्यान रखें।